तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे फोटोसेंसेस के रिएक्शन की, और उसमें हमने देखा कि फोटोसेंसेस के दो स्टेप्स हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो आज हम रिएक्शंस की तरफ मूव करते हैं, जिसमें आज हम देखेंगे लाइट रिएक्शन को। तो अभी तक अगर बेटा आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं जी, टॉपिक होगा हमारा लाइट रिएक्शन, ठीक है जी। और लाइट रिएक्शन को जो है वो आप कुछ और नाम भी देते हैं, लाइट लाइट रिएक्शन, या जिसे आप कहते हैं क्या जी, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, तो ये हमारा जो है वो आज का कंसर्न होगा, लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन में होता क्या क्या है, डिटेल से आज हम इसको देखेंगे। तो लाइट रिएक्शन में हमने बात की कि लाइट की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें जी, किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, केमिकल एनर्जी में, और उससे बना दिए जाते हैं एटीपी, एटीपी प्लस NADPH। तो ये बेसिकली जो है वो लाइट रिएक्शन का कंसर्न है कि एटीपी और NADPH की सिंथेसिस लाइट एनर्जी को यूज करते हुए। उसमें अगर आप चेक करें, फिर हमने देखा कि लाइट रिएक्शन की साइट क्या है, लाइट रिएक्शन हो रहा होता है ऑन थायलाकोइडल मेम्ब्रेन, ऑन थायलाकोइडल मेम्ब्रेन, ठीक है, थायलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, प्रीवियस लेक्चर में इसको हमने देखा। तो यहां पर हम आज देखेंगे लाइट रिएक्शन को डिटेल के साथ। तो लाइट रिएक्शन में बेसिकली इस्तेमाल हो रहे होते हैं फोटोसिस्टम्स, फोटो सिस्टम्स, ठीक है, फोटोसिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और फोटोसिस्टम को अगर आप डिफाइन करें तो व्हाट इज बेसिकली फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम होता है जी क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स। और हमने पिगमेंट को भी डिफाइन किया था कि पिगमेंट किन्हें कहते हैं, तो हमने कहा था कि ये लाइट एब्जॉर्बिंग बॉडीज हैं, ये लाइट एब्जॉर्बिंग बॉडीज हैं, ठीक है भाई, वो स्ट्रक्चर जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और उनके गुच्छे को हम कहते हैं फोटो सिस्टम। और फोटो सिस्टम हमारे पास कितने होते हैं, फोटो सिस्टम होते हैं दो, क्लियर हो गए, फोटो सिस्टम होते हैं दो, एक होता है फोटो सिस्टम वन और दूसरा होता है फोटो सिस्टम टू। फोटो सिस्टम सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू, क्लियर हो गए। अच्छा, फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू में डिफरेंस क्या है, फोटो सिस्टम वन जो है वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब 700 नैनोमीटर की लाइट को, 700 नैनोमीटर लाइट, ठीक है जी। और फोटो सिस्टम टू जो है, ये वाला फोटो सिस्टम टू, ये एब्जॉर्ब करता है कौन सी लाइट, एब्जॉर्ब ये करता है जी 680 नैनोमीटर की लाइट को। तो ये हमारे पास दो फोटो सिस्टम्स पड़े हुए होते हैं कहां पर, लाइट रिएक्शन में। तो अब हम देखते हैं लाइट रिएक्शन को। तो बेटा ये हमारे पास है एनर्जी लेवल, ये हमारे पास है एनर्जी लेवल, ठीक है जी, ये हमने क्या बनाया, एनर्जी लेवल। व्हाट इज मेंट बाय एनर्जी लेवल, अगर एनर्जी कम है तो वो यहां पर होगी, ठीक है, एनर्जी ज्यादा होती जाएगी यहां पर। हम इसको सपोज्ड फिगर्स ले लेते हैं कि अगर किसी चीज की एनर्जी लो होगी वो यहां पर होगा, किसी की इससे ज्यादा होगी वो यहां पर होगा, और अगर किसी की इससे भी ज्यादा होगी तो वो ऊपर चला जाएगा। मेरी बात समझ आई, ये एनर्जी लेवल। अब मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी लो होती है वो हम यहां देखते हैं, यहां हमारे पास होता है जी ये हमारे पास पड़ा होता है फोटो सिस्टम टू, ये हमारे पास पड़ा हुआ है फोटो सिस्टम टू।
आपको पता है फोटोसिस्टम 2 जो है, ये फोटोसिस्टम 2 ये 680 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब करता है। फोटोसिस्टम 2 जो है कौन सी लाइट को अब्सॉर्ब करता है, तो ये लाइट आई, लाइट कौन सी आई, 680 नैनोमीटर की, 680 नैनोमीटर की लाइट आई और फोटोसिस्टम 2 ने उसको अब्सॉर्ब कर लिया। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर शेल से एक्साइट कर जाता है और हायर शेल की तरफ को मूव कर जाता है। यहां पर भी सीन यही है, एनर्जी आई है, लाइट आई है, लाइट इज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आई है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से एक्साइट कर गए, यहां से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा हो गई है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एक्साइट करके, हमने कहा था जिसकी एनर्जी ज्यादा होती जाएगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, लेट्स सपोज ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल गए, वन बाय वन निकलते हैं, तो ये लेट्स सपोज दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड डायरेक्शन में गए क्योंकि एनर्जी बढ़ गई है, तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स का होल जनरेट हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एम्प्टी स्पेस जनरेट हो जाएगी जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए थे। तो क्या होगा देखना है आपने, अब यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ा जाएगा ले जी, और ये कौन तोड़ती है, लाइट तोड़ती है, ठीक है जी, और वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़कर ये हमारे पास बनेंगे H पॉजिटिव आयंस, उसके बाद हमारे पास हाफ मॉलिक्यूल बनेगा किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो बनेंगे ये जाकर फिल कर देंगे इस स्पेस को, ठीक है जी, जो कैविटी और जो स्पेस यहां पर प्रोड्यूस हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन से, उस स्पेस और उन होल्स को ये इलेक्ट्रॉन जो वाटर की ब्रेकडाउन से रिलीज हुए वो फिल कर देंगे। तो इस अमल को हम कहते हैं फोटोलाइसिस, भाई ये फोटोलाइसिस है, फोटोलाइसिस। तो व्हाट इज फोटोलाइसिस, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ लाइट, फोटो मीन लाइट, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, लाइट की मदद से किसी चीज को तोड़ना, दैट इज फोटोलाइसिस। और यहां पर हम किसको तोड़ रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं वाटर को, तो ये वाटर की स्प्लिटिंग है और इसे हम कहते हैं क्या जी, फोटोलाइसिस। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हो गई थी हाई, अब वो यहां पर नहीं रह सकते, मेरी बात समझ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप कह लेंगे बंदा गांव में रहता है उसके पास पैसे आ जाए वो शहर आ जाता, इसी तरह बिल्कुल ये गांव है और इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ गई यानी पैसे आ गए, अब वो यहाँ नहीं रहेंगे, अब वो शहर की तरफ मूव करेंगे। और यहां पर हमारे पास पड़ा होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये है जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो इसे हम कहते हैं ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, PEA, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो आप चेक करें, जब इलेक्ट्रॉन्स दिए थे फोटोसिस्टम 2 ने, तो फोटोसिस्टम 2 ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, और बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और जब इसने रिसीव किए थे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, और मैंने आपको बताया था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, रिडक्शन को, तो इसकी रिडक्शन हो गई है, क्लियर हो गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की। अब इससे आगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से आगे बढ़ा होता है उसे हम कहते हैं क्या जी, प्लास्टोक्यूनीन, प्लास्टोक्यूनीन, ठीक है जी, और क्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन, और प्लास्टोक्यूनोन से आगे बढ़ा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से आगे क्या पड़ा हुआ है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से आगे क्या पड़ा हुआ है, प्लास्टोसायानिन, बात समझ आ गई है, ये आयरन कॉन्टेनिंग होते हैं, ठीक है, और ये कॉपर कॉन्टेनिंग होते हैं, कॉपर। अच्छा, तो अब क्या होगा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन दिए प्लास्टोक्यूनोन को,
और इसकी क्या हुई, इसने लॉस की, लॉस इलेक्ट्रॉन का होता है क्या, ऑक्सीडेशन, इसने गेन कर ली, इसकी हो गई रिडक्शन। देन इसने इलेक्ट्रॉन दिए प्लास्टोक्विनोन ने, इलेक्ट्रॉन दिए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की हो गई रिडक्शन, जो ले लेता है उसकी रिडक्शन, जो देता है उसकी ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गए किसके पास, प्लास्टोसायरिन के पास। ठीक है जी, यहां पर रोके हैं आप 2 मिनट के लिए। ये हमारे पास था फोटोसिस्टम 2। मैंने आपको बताया 2 फोटोसिस्टम होते हैं, दूसरा फोटोसिस्टम जो है फोटोसिस्टम 1 है। दूसरा फोटोसिस्टम कौन सा है, और फोटोसिस्टम 1 होता है इधर, ले जी ये पड़ा हुआ है फोटोसिस्टम 1, ये फोटोसिस्टम 1। अब जब फोटोसिस्टम 1 की आप बात करते हैं, यहां पर भी सिनेरियो यही है। फोटोसिस्टम 1 को हमने कहा था भाई, फोटोसिस्टम 1 जो है, ये चेक करें आप, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जो है ये लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। 2 जो है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को, और 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट। तो भाई ये फिर फोटोसिस्टम कौन सा है, फोटोसिस्टम 1। तो ये लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, और कौन सी लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, ये करेगा 700 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब। और डेफिनेटली जब लाइट आएगी, इट मींस एनर्जी आई है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हाई हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोटोसिस्टम को छोड़कर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। मेरी बात समझ आ गई, क्यों उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई है, क्यों उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, क्लियर हो गया। ले जी, तो यहां पर डेफिनेटली चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यहां पर फिर 2 होल्स जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। क्यों निकले हैं, क्योंकि लाइट आई थी, लाइट ने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज कर दी। जब एनर्जी इंक्रीज की तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से एक्साइट होकर ऊपर चले गए, क्योंकि एनर्जी लेवल में ऊपर वही जाता है जिसकी एनर्जी हाई होती है। तो जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहां से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो यहां पर होल जनरेट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है जी, और फिर वो होल्स पीछे से आते हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दे। पीछे से आ रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन, ये चेक करें, ठीक है जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से इसके पास, यहां से इसके पास, ठीक है जी, यहां से इसके पास, और यहां से इसके पास, और फोटोसिस्टम 1 के होल फुलफिल हो गए। क्लियर हो गए जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बेटा आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर छत से आप ईंट गिराए, नीचे बंदा खड़ा हो कोई, तो उसके सर में लगे तो सर फट जाता है। किस तरह, ईंट जो ऊपर थी उसके पास थी एनर्जी, जब आपने उसको फॉल करवाया तो उसकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई है, जो बंदा खड़ा हुआ था उसके सर में, उसका सर फट गया। मेरी बात समझ रही, इसका मतलब क्या, जब कोई चीज अपनी हाई एनर्जी लेवल से कम की तरफ आती है तो वो एनर्जी को रिलीज करती है, और उस एनर्जी से किसी का सर फटता है। मेरी बात समझ रही, यहां पर भी सीन यही है, यहां पर थी एनर्जी हाई, ध्यान से देखें, यहां पर थी एनर्जी हाई, एनर्जी लेवल में टॉप पोजीशन है, यहां पर थी एनर्जी हाई, यहां जब इलेक्ट्रॉन आए हैं लो एनर्जी लेवल की तरफ, तो डेफिनेटली क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो भाई अगर एनर्जी रिलीज होगी तो उस एनर्जी को कैप्चर कर लिया जाएगा, उस एनर्जी को कैप्चर कर लिया जाएगा, और क्या किया जाएगा, एटीपी बनाया जाएगा उस एनर्जी से, जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है। मेरी बात समझ आई, यहां पर एटीपी बनेगा, और जो एटीपी यहां पर बनता है उसके बनने के अमल को हम कहते हैं केमियोस्मोसिस, उसे हम क्या कहते हैं, केमियोस्मोसिस, जो कि अभी हमने डिटेल से देखना है। मेरी बात समझ आ गई है, तो इलेक्ट्रॉन्स फिर किस तरह से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं केमियोस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, फॉर्म्ड बाय केमियोस्मोसिस। क्लियर हो गया जी, तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, सही है। अब आपने देखना, अब हम आगे आ जाते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट किए थे, वो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकल गए थे, यहां पर भी पड़े हुए हैं, यहां पर भी पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसे भी हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या है जी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और इसकी रिडक्शन इसके आगे, यहां पर पड़ा होता है फेरेडॉक्सन। क्या पड़ा होता है, फेरेडॉक्सन, ये है जी फेरेडॉक्सन। तो फेरेडॉक्सन जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ये इलेक्ट्रॉन्स अब किसके पास आ गए, फेरेडॉक्सन के पास। फेरेडॉक्सन के आगे एक एंजाइम पड़ा होता है,
ठीक है जी, एक एंजाइम बड़ा होता है जैसे हम कहते हैं एन ए डी पी रिडक्टेज, जिसे हम क्या कहते हैं एन ए डी पी रिडक्टेज, दैट इज एंजाइम, ठीक है जी, एन ए डी पी रिडक्टेज। एन ए डी पी रिडक्टेज क्या करते हैं, ये आने वाले ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना जी, उन इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करते हैं, और एन ए डी पी पॉजिटिव प्लस एच इनको जोड़कर, ठीक है, इनको जोड़कर क्या बना देते हैं एन ए डी पी एच, ठीक है जी, यहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए जो ऊपर से आ रहे थे, क्लियर हो गए। तो अब चेक करें कि यहां पर बन क्या गया, बेसिकली बन क्या गया है एन ए डी पी एच। तो हमने कहा था कि लाइट रिएक्शन इज अ रिएक्शन, हमने कहा था कि लाइट रिएक्शन इज अ रिएक्शन जहां पर क्या होता है कि एटीपी बनते हैं, जहां पर क्या होता है जी एटीपी बनते हैं और साथ जो है वो एनएडीपीएच बनता है। तो आप चेक करेंगे लाइट की एनर्जी को यूटिलाइज किया गया, ये लाइट की एनर्जी है, इसको यूटिलाइज किया गया और लाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करके एटीपी बनाया गया और साथ क्या बनाया गया एनएडीपीएच। तो ये हमारे पास है लाइट रिएक्शन, जिसमें हमने क्या देखा कि लाइट से हम एटीपी और एनएडीपीएच इन केमिकल एनर्जी किस तरह से बना रहे हैं, मेरी बात समझ रही है। अब अगर आप चेक करें एक लम्हे के लिए, आप चेक करें इसकी शेप आपको लगेगी जी स्कीम जैसी, इसकी शेप आपको इंग्लिश का वर्ड है जी उस जैसी लगेगी। तो इस शेप की वजह से हम इसे एक और नाम भी देते हैं लाइट रिएक्शन को, हम इसे कहते हैं ये जी स्कीम है, ये क्या है जी स्कीम, क्लियर हो गए। तो आप इसको यहां पर लिख लें, ऑल्सो कॉल्ड जी स्कीम, ठीक है जी, जी स्कीम, क्लियर हो गए। तो हम इसको जी स्कीम भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास लाइट रिएक्शन। अभी हम ऑनवर्ड वीडियो में देखते हैं कि ये जो एटीपी बन रहे हैं केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस से, ये किस तरह बन रहे हैं, क्लियर हो गया जी, जज़ाकअल्लाह।